मैंने बोला ना मजा आ रहा है। इतनी सारी चीजें की, ये प्लेट इसके अंदर फंस गई थी, वो निकालने में ना हमें 5 दिन लग चुके हैं। आज पांचवें दिन फाइनली ये निकल गई है। इतना बड़ा अचीवमेंट फील हो रहा है ना मुझे, जितना बड़ा अचीवमेंट कभी जीवन में नहीं फील हुआ जितना आज हुआ मुझे। अबे मेहनत करिए, मेहनत। बताओ क्या चले, क्या चाहिए तुमको? तुमको किडनैप करके ले जाऊं? तुम्हें किडनैप करके लेके जाऊं क्या मैं? हाँ, तुम्हें किडनैप करके ले जाऊं? चलो चलो, तुमको किडनैप करते हैं। चलो इस लड़के को उठा लो, उसको उठा लो, रे बाबा उठा लो, चलो उठाओ। चलो लेट हो गए भाई, तुम तो यही रहोगे, मेरे को जाना है भाई। तुम आ क्यों रहे हो? इसको बाय बाय करना ना बहुत मुश्किल है जी, इसको छोड़ना, जिसको बोलते हैं ना छोड़ना, बहुत मुश्किल है। चलो चलो उधर जाके आते हैं, वापस वापस चलते, वापस चलते। प्यारी समझ गई। नहीं नहीं, क्रेन तो अभी एक और गई थी, दूसरी है ये तो। 1 hour later, एक VIP के चक्कर में भाई सबकी बैंड बज गई। सब घरों में से लाइट्स हटी नहीं है, हमने भी लगा तो रखी है लेकिन हटाई नहीं है प्रॉपरली, तो बस वही हटाना। और फिलहाल हम जा रहे हैं भाई आरू को लेने। आरू गया हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा बिल्लू का, बिल्लू से मिलने गया हुआ है। तो यही हमारे एक कलीग रहते हैं, उनके घर पे, उनके पास में ना एक छोटा सा जिसको बोलते हैं ना वो है पर्शियन कैट है, तो उसके पास गया हुआ है वो मिलने के लिए आज। और एनिमल से ना साथ बड़ा मज़ा आ रहा है इसको, पैट्स के साथ ना, कल परसों ही गया था डॉग के साथ, और आज फिलहाल जो गया है वो बिल्लू के पास मिलने गया। उसका नाम मुझे नहीं पता, पता होगा, पता करेंगे, अभी बताते हैं आपको। A few moments later. क्या हुआ आरू? बेचारा ये डर के बैठा हुआ है शांति। मुझे डर था कि भाई कि वो उसमें मैच में आया था भैया, शैतान तो ये थोड़ा बहुत शांत है वैसे भी, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है। ये पंजा मार जी पूरा, देखो मैंने बोला ना मजा आ रहा है। वो एक्चुअली गुस्से, वो गुस्से में आ रहा है, बोले भाई बहुत देर हो गई है। बिट्टू अभी ना बहुत वो हो रखा है, गुस्से काट जाएगा ना, तुम ढूंढते रहोगे। हेलो कर रही है आरू से, हेलो कर रही है। सो आरू मजा आया आज पूरे दिन भर? पूरे दिन भर भाई अलग अलग चीजें, वैरायटी ऑफ चीजें तैयार, भजन कीर्तन करके आया, बिल्लू से मिल के आया। हंस रहा है देखो, मन मन हंस रहा है। क्या आज, किया आज? लेकिन फुल मौज में रहा आज। इसमें ना वहाँ पे वो भैया थे ना, वो अंकल के बेटे, तो क्या किया वो भी आए हुए थे क्या? ओके, गाड़ी भी गाँव वाली रोड है, बस अड़ना जाए कहीं पे। अरे भाई ये तो बहुत सही शॉर्टकट है, बिल्कुल पीछे आ गए उधर। एक्चुअली रिसेंटली अभी बीटेक पानीपुरी वाले की एक फ्रेंचाइजी यहाँ भी जयपुर में भी खुली है, तो हमारे घर के बाजू में, जिसको बोलते हैं ना हमारे घर के बिल्कुल पास में, यानी पलक झपकते पहुँच जाएंगे हम, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। तो जरूर देखते हैं भाई कितनी हेल्दी है, बेसिकली पता चलेगा ना भाई कि कितनी हेल्दी पानीपुरी है, वो भी तो पता चलना चाहिए। तो बस उसी के लिए हम जा रहे हैं, आप लोगों के हेल्थ के लिए ना हमें देखना, पहले हम अपने ऊपर लेंगे उसके बाद आप लोग खाना आराम से, ठीक है? पहले हम जा रहे हैं उधर। तो उसने रखा है ना, हाँ। लेकिन इस भाई ने जिसने भी ये ली होगी या अच्छा, उसने अपना नाम पेटेंट करवा लिया, हाँ। तो बेसिकली अब वो सारी चीजें क्या है, उसको इस बंदे ने अगर उसका नाम खोलने के लिए ना, तो इसने एक कुछ फी दी होगी भाई, जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी फी, तो भाई वो है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूछेंगे भाई उससे कि उसकी फ्रेंचाइजी फी वगैरह क्या है, क्या डिटेल है। बेसिकली कोशिश रहेगी भाई कि अगर कोई बंदा खोलना चाहेगा तो कैसे खोल पाए, तो हम उसे जस्ट जनरल डिटेल पकड़ा अगर मालूम हो पाए, बाकी एल्स हम पता करके आपको बता सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कृपया कमेंट करें, अगर कमेंट करते हो तो हम आपको पता करके बता देंगे भाई कि बीटेक पानीपुरी का ठेला अगर आप खोलना चाहते हो, कह सकते हैं कि एक मॉडर्न टाइप का ठेला जो आप खोलना चाहते हो, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे पता करके, किसी भी तरीके से हम लोग पता करके आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल तो हम टेस्ट करें, उसके बाद ही सारी चीजें डिटेल करेंगे। तो पहले क्या
यहाँ मना कर चुके हैं, लेकिन भाई साहब को बैठना तो वहीं पे है और कहीं बैठना नहीं। बेटे इसमें पैर नहीं आएंगे। सॉरी गाइस, बीटेक छोड़ के एमटेक एमकॉम सब मिल गए हमें, पर बीटेक नहीं मिला हमें। अरे बीटेक तो नहीं मिली, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे नहीं होने की वजह में आंटी ने तुमको पकड़ तो नहीं लिया? सही है। तुम दुकान खोलेंगे, सब करेंगे, सब रखना पड़ेगा, फिर उसके चार्ज जोड़ो, फिर सामने वाले को क्यों भैया वो टेंशन देना भाई, सीधा सा वो है, अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ। सही बात है। ओके हेलो हेलो करते। अच्छा आपको कुछ नहीं, मैं कुछ खाऊंगी, लो खा लो। देखो कहते ना, हमें बीटेक पानी पूरी वाली तो नहीं मिली, लेकिन जो आंटी मिली ना वो बहुत स्वीट है यार। कितनी स्वीट है यार ये आंटी, बहुत ज़्यादा स्वीट है, एक्सट्रीम लेवल पे स्वीट है। तो बट कोई नहीं, हम उम्मीद करते हैं इनका धंधा बढ़िया चले, हमें कोई इशू नहीं है। तो बस अभी हमें कुछ नहीं मिला तो हम चलते हैं वापस घर। आ, तुम वहाँ बैठी बैठी क्या कर रहे हो भाई, राबड़ी बना रही हो? लेकिन आज का जो इंसिडेंट था भाई, उसके अंदर हम लोग गए थे पानी पूरी बीटेक पानी पूरी वाले को ढूंढने, लेकिन वो तो नहीं मिली, लेकिन हाँ दूसरी वाली आंटी वो भी सही बनाया उन्होंने अलग से। नहीं बेसिकली, लेकिन उन्होंने साथ ग्रेजुएट की, अच्छी खासी पढ़ने की लग रही थी आंटी उनको, इसलिए तो भाई एक बहुत सही सी आंटी। लेकिन आंटी का वो देखा भाई, सोडाला जहाँ से वो आती है वो बेसिकली सोडाला है, सोडाला से जगतपुरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। वहाँ से वो यहाँ पानी पूरी खिलाने के लिए आती है, उन्होंने यहाँ जो वो भी इसीलिए कि यहाँ ये स्पेशल जगह क्यों चूज की, तो उन्होंने बताया भाई कि ये जगह पे थोड़ा सा रेंट सस्ता है, जैसे सोडाला मेन सिटी के सेंटर में आता है, तो उस वजह से यहाँ पर उधर थोड़ा रेंट हो सकता है महंगा पड़ता, यहाँ रेंट बहुत सस्ता था। तो आंटी ने कहा हमें सस्ता लगा तो हमें ठीक है। तो और उनसे जब पूछा गया कि रिस्पॉन्स कैसा, वो बोल रही थी कि रिस्पॉन्स भी ठीक है। तो फाइनली बीटेक नहीं तो क्या हुआ यार, कोई दूसरी आंटी मिली, बहुत बढ़िया से पानी पूरी भी टेस्टी थी बेसिकली। ये लगती है इनकी जो लगी, इन्होंने लगाई हुई थी वीवा सिटी मॉल पे ही लगाई हुई थी, मॉल के बाहर ही है, मॉल की टेरिटरी में है बेसिकली, तो वो मॉल को रेंट पे करती है। और रेंट भी कोई खास नहीं था यार, रेंट जो उन्होंने हमें बताया उसके हिसाब से 500 रुपये पर डे के हिसाब से वो लोग वहाँ रेंट दे रही है आंटी। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है, लेकिन सस्ता है ठीक है। और आंटी बोला रेस्पॉन्स सस्ता है तो भाई कर सकते हैं। तो इन्होंने भाई एक जिसको कहते हैं ना कि वो आंटी होंगी ऑलमोस्ट, आंटी को बेस्ट ऑफ लक, और टेस्ट भी अच्छा था, तो आप लोग भी कोई भी जाके ट्राई कर सकते हैं। फाइनली बीटेक पानी पूरी तो मिली नहीं, लेकिन जो भी था आज का दिन बहुत बढ़िया था, यानी शाम बढ़िया थी। और आंटी से बात करके भी अच्छा लगा। ओके हाँ, इसने काफ़ी सारी बात की थी, मैंने नहीं की भाई, मैं तो उतना ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था बीटेक पानी पूरी वाली कि भाई वो कहीं मिल जाए भाई, यही ढूंढते मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं हमें। तो फिर हमने कोई नहीं छोड़ दिया, बीटेक नहीं तो कोई नहीं, पानी पूरी तो खानी है, पानी पूरी तो लोकल शॉप की ज्यादा अच्छी थी। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि भाई कि हो सकता है भाई आज छुट्टी भी हो सकता है, दिवाली के मौके पर भाई कुछ बनाने के बाद आया ही नहीं हो घर पे, तो इसलिए हो सकता है छुट्टी भी हो। तो कोई नहीं, हम किसी और दिन देखेंगे, जाते रहते हैं तो किसी और दिन देख लेंगे कि वहाँ है कि नहीं है। फिलहाल आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, कल एक सरप्राइज है, बहुत बढ़िया चीज़ है, कल ही बताएंगे। टाटा।